नहीं, जिला कलेक्टर साहब क्या निर्देश थे या प्रशासनिक निर्देश थे, मीटिंग कोई हुई है? जैसे यहाँ पर आज गणेश विसर्जन का कार्यक्रम था, इसको लेकर जो व्यवस्था है यहाँ पर थी वो व्यवस्थित थी? आपको लगता है कि इतने बड़े आयोजन को लेकर 1300 मूर्तियाँ लगी गई थी जिसके लिए 4 टंकी पानी की व्यवस्था की गई, क्या ये उचित लगा आपको? मैं इसे सही मानूँ तो वैसे संतुष्ट इसलिए नहीं हूँ क्योंकि नगर परिषद का कोई सहयोग नहीं रहा। हमारे कहने के बावजूद भी नगर परिषद ने कोई अपनी तरफ से व्यवस्थाएँ नहीं की। जैसे भी हमने अपने लेवल पर कल 4 बजे 5 बजे बुलवा के 10 बजे तक ये पीछे वाला पिट खुदवाया, जबकि नगर परिषद को हमने लिख के दिया था कि भाई 4 पिट खुदवाए जाए, वो भी बड़े बड़े। लेकिन हम अपने प्रयास से कोई कमी नहीं रखते, फिर भी नगर परिषद की लापरवाही की वजह से सब हुआ है ये, उसके लिए हमें भी बड़ी संबंध की महसूस हो रही है। आप यहाँ पर जब थे या आपने जब हालात देखे कि लोग अंदर घुस रहे हैं, गणेश जी के मुंह के ऊपर पैर रख के आगे निकल रहे थे, तब आपने विरोध नहीं किया इस चीज का? नहीं, विरोध तो क्या था कि मूर्तियों में पैर रख रहे, इसलिए मूर्तियां ऊपर रखवाई गई। जैसे हमारी प्लानिंग थी कि भाई जैसे सारे विसर्जन हो जाएंगे तो मूर्तियों को अंदर डलवा के वापस उसको मिट्टी डलवा दी। अच्छा, मूर्तियों को अंदर डलवाने के लिए आपने मूर्तियों को तोड़ तक दिया बाहर से? बाहर से तोड़ने का इसीलिए हम लोगों ने बाहर रखवाई ताकि क्या लोगों के पैर ना आए, फिर भी आ गए। फिर उसके बाद में तोड़ दी गई, फिर उसके वापस डाल दी गई। जब विरोध हुआ, किसका विरोध हुआ भाई? कुछ यहाँ जो मूर्ति विसर्जन करने आए थे उन लोगों का विरोध हुआ, उसके बाद भी 4 बज चुके थे क्योंकि सारा विसर्जन तो हो चुका था, कुछ ही % रहे थे, इसलिए हमने वापस अंदर डलवा दिया। और अभी जैसे भी बुलवाया है तो वापस मिट्टी डलवा देंगे। 4 तो अभी गणपति महोत्सव को लेकर प्रशासन से धर्म प्रेमी लोग उम्मीद करते हैं, और जो आज व्यवस्था हुई इसको लेकर आपकी किसी चीज को लेकर संतुष्टि या असंतुष्टि जाहिर कर? हमने जो कार्यक्रम तय किया, जिस ढंग से हमने काम किया, वो बिल्कुल संतोषजनक है। 99% लोग इससे संतुष्ट हैं, सबने अपनी जो है अपनी गुड चीज बताई है कि अच्छी व्यवस्था है। क्या व्यवस्था, किस तरीके से जैसे यहाँ कुछ भी नहीं था खड़े रहने के लिए, उसके लिए जितना पंडाल साफ हुआ है वो धर्मप्रिय लोगों की मेहनत है। और जहाँ आप जिस छिया में आज खड़े हुई, टेंट भी उसी के दौरान लगाए गए, बेल्ट है, कुर्सियां है, जो भी है, माइक सेट है, सहायता केंद्र है, और कुंड भी जो नगर पालिका ने नहीं खुदवाया उसके बाद हमारे धर्म प्रेमियों ने खुदवाया है। अच्छा, ये आपके खुद के द्वारा? बिल्कुल खुद के द्वारा खुदवाया, हमारी कमेटी में तय हुआ था। अच्छा, क्या तय हुआ था? कि कुंड जो है 3 अलग अलग खुदवाए जाएंगे, इन्होंने 2 खुदवाए, प्रशासन नहीं सहयोग किया, नगर पालिका ने। अच्छा, ये सी भी लगवाई आपने। लेकिन सर, विसर्जन के लिए जो विसर्जन की जो योजना बनी थी, कुछ लोगों ने मूर्तियां अपने खुद ने विसर्जन करके पांव में नहीं है इसके बाहर रखी। हमने उनको बता दिया था कि शाम को 5 बजे के बाद में जो विसर्जन में अंदर डालकर वापस उत्पाद कुंड बुरवा दिया जाएगा, और अभी 6 बजे जैसे भी नगर पालिका बोर्ड को टेलीफोन कर दिया गया वापस आएगा और कुंड को व्यवस्थित बुरवा दिया जाएगा। उससे पहले जितनी मूर्तियां थी, कुंड छोटा था, इसलिए मूर्तियों को बाहर रख रहे थे ताकि पांव में नहीं आवे। इसके बाद जैसे सर अभी हमारे पास विजुअल्स भी है, कुछ वीडियोस भी है, पांव आ रहे हैं लोगों के, जूते पड़े 15 साल पहले या जब से आया तब से क्या पांव में कभी नहीं आई है, आज पहली बार आई है। नहीं तो मुझे एक बात बता दें, 15 साल क्यों करेंगे? 15 साल कहां? 15 साल से चल रहा है, हमने तो नहीं की। एक बार गलती करती तो बार बार गलती। किसने?